कोविड-19 को लेकर हुए देशव्यापी लॉकडाउन ने शहनाई पर ग्रहण लगा दिया है। सभी जगह शादियों के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, जिससे व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शादियां कैंसिल होने से सिवनी में भी इसका असर देखने को मिला है। कोरोना की वजह से विवाह भवन, होटल, हलवाई, सजावट, वाहन, ब्यूटिशियन आदि के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। कुछ लोगों ने अपना एडवांस तक वापस ले लिया है। अप्रैल मई में जहां गलियों में आतिशबाजी के साथ बैंड बाजे का शोर सुनाई देता था, आज हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिवनी में शादियां कैंसिल होने से व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कोरोना का साया हटने के बाद ही शादी विवाह का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। लोग पूरी तरह सरकार के साथ हैं और उनके निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। हालांकि शादियों में अपना छोटा व्यवसाय करने वाले लोग अब बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि देश में आपदा के इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। इस सीजन में ना सही, अगले सीजन में फिर शहनाई बजेगी। करतार ब्रास बैंड पार्टी के नाम से मैं अपना बैंड पार्टी संचालन करता हूं और सभी क्षेत्र में ग्रुप बाई ग्रुप की पार्टी चलाता हूं। लगभग 100 लड़के के आसपास मेरे पास काम करते हैं। सभी लड़कों को प्रति ऑर्डर के हिसाब से पैसा दिया जाता है और लगभग 90-95 ऑर्डर अभी कैंसिल हो चुके हैं, जो कि अप्रैल और मई के काम थे। संक्रमण के विषय में सब लॉकडाउन के कारण सभी लोगों का कामकाज, किसान मजदूर सभी व्यवसाय बंद है। इस वजह से हम लोग भी सब घर में हैं। बाजा जो भी बजाने की सामग्री है, गाड़ी घोड़ा सब स्थाई खड़ी हैं और अपना काम घर पे ही रहकर कर रहे हैं। जो भी है, सरकार का जो भी निर्णय रहेगा उसमें अपना काम उसके बाद में करेंगे, कोरोना वायरस के बाद में, या नहीं रहेगा तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि बगैर परमिशन कोई काम भी नहीं होगा सर, और सब कार्यक्रम अभी बंद हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।